करेंगे गोंडा का, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस बीच लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और वैसे भी मुझे आज आप लोगों की इस अपार भीड़ व जोश को भी देखकर अब ये पूरा भरोसा हो गया है कि आप लोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी हर प्रकार की तैयारी के साथ अपने गोंडा व बलरामपुर जिले की, इन दोनों जिले की सभी विधानसभा की सीटों को जीतने का पूरा पक्का मन बना चुके हैं। और साथ ही जहां प्रदेश में बीएसपी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाने वाले हैं, और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इस चुनाव में अपने खुद के व प्रदेश के हित में भी अपना वोट यहां सपा, कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। हालांकि इन विरोधी पार्टियों में से खासकर सपा व बीजेपी के बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में सपा के लगभग 5 वर्षों के और केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लगभग 3.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान यहां इन दोनों ही सरकारों की गलत नीतियों व गलत कार्यकलापों के कारण अब यहां प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी वे आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं है। ऐसे हालातों में अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अभी तक भी अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, और वहीं दूसरी तरफ सपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो अपनी सरकार में शुरू से ही यहां खासकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में जबरदस्त दागी चेहरा रहा है, जिसके साथ अब कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है, तथा जिस समाजवादी पार्टी को यहाँ अराजक, अपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है, ऐसी स्थिति में अब यहाँ प्रदेश की आम जनता को ये तय करना है कि क्या वे सपा व कांग्रेस गठबंधन के ऐसे दागी चेहरे को अपना वोट दें। ऐसी स्थिति में अब यहाँ प्रदेश की आम जनता को ये तय करना है कि क्या वे सपा व कांग्रेस गठबंधन के ऐसे दागी चेहरे को अपना वोट देंगे, या फिर इसके स्थान पर इन सभी तत्वों का सफाया करके या हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने वाली अपनी एकमात्र बीएसपी की बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे। और अब इसका सही फैसला आपको व प्रदेश की आम जनता को इस चुनाव में ही करना होगा। और वैसे भी इस बारे में लोगों के सामने सच्चाई यही है कि प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज ही व्याप्त रहा है, जिसकी खास वजह से ही यहाँ पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, हत्या, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरेआम गुंडागर्दी, जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे,
तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की घटनाएं काफी ज्यादा चरम सीमा पर ही होती रही हैं। और यही मुख्य कारण है कि सरकार के चलते यहाँ प्रदेश में हर तरफ असुरक्षा व आतंक का माहौल ही हावी रहा है, जिसके लिए यहाँ सपा के साथ साथ केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी व वर्तमान में चल रही बीजेपी की सरकार भी बराबर की जिम्मेवार व कसूरवार भी है, जिन्होंने केंद्र में अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में यहाँ अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी को बराबर नहीं निभाया है, बल्कि इसके स्थान पर इन्होंने यहाँ सपा के गुंडा व जंगल राज को ही खूब पनपने दिया है, जिसकी सजा इस चुनाव में इन दोनों पार्टियों को भी यहाँ की जनता इन्हें जरूर देगी। सपा के साथ साथ इन दोनों पार्टियों को भी यहाँ की जनता इन्हें जरूर देगी। इसके साथ ही सपा सरकार में विकास के कार्य भी अधिकांश यहाँ आधे अधूरे ही किए जाते रहे हैं, जिनके प्रचार प्रसार पर प्रदेश की जनता का सरकारी करोड़ों अरबों रुपया अकेले यहाँ मीडिया में ही काफी बेदर्दी से खर्च कर दिया गया है, जबकि इससे अपार धन को यहाँ गरीबों के हित व कल्याण के कार्यों पर भी खर्च किया जा सकता था। इसके अलावा इस सपा सरकार में विकास व जनहित के जो भी थोड़े बहुत कार्य किए गए हैं, तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े कार्यों की शुरुआत बीएसपी की सरकार में ही कर दी गई थी। और इतना ही नहीं, बल्कि बीएसपी की अनेकों जनहित की योजनाओं को तो वर्तमान सपा सरकार ने बहुत चालाकी से केवल उनका नाम बदल कर ही चलाया हुआ है, जिसमें इनकी समाजवादी पेंशन योजना खास है, जिसका पहले मूल नाम महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना था। इसके साथ ही इस सपा सरकार ने प्रदेश के अधिकांश सभी वर्गों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों की भी हालत यहाँ हर स्तर पर काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी रही है, जबकि सरकारी अधिकारी तो यहाँ थोक के भाव में ही बदलते रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर वर्तमान सपा सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर वे हर मामले में अति निराशाजनक वे अति कष्टदायक ही बना रहा है, और अब इनको इस चुनाव में इसका जबरदस्त नुकसान भी उठाना पड़ेगा। हालांकि इस चुनाव में सपा के बारे में यह बात भी सर्वविदित है कि सपा नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पुत्र मोह की वजह से जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो इसका अब शिवपाल यादव व इनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अंदर अखिलेश व इनके खेमे के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। तो इससे ये स्वाभाविक ही है कि अब सपा के ये दोनों खेमे इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे के उम्मीदवारों को हराने की ही पूरी पूरी कोशिश करेंगे, अर्थात जिताने की नहीं। और यदि ऐसे हालातों में आपके इन दोनों जिले के खासकर मुस्लिम समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं, तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा, बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुँच सकता है। इसलिए अपने सोने वाले नुकसान से बचने के लिए अब यहाँ अन्य वर्गों के साथ साथ खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को भी अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जिसका अपना दलित बेस वोट पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से सक्रिय
वे तत्पर भी है और इस वोट में विशेषकर मुस्लिम समाज का भी वोट जुड़ जाने से तब फिर बीजेपी को इसका जबरदस्त नुकसान पहुंच जाएगा, अर्थात फिर बीजेपी यहां प्रदेश की सत्ता पर किसी भी कीमत पर काबिज नहीं हो सकती है। वैसे भी केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली के बारे में यह बात सर्वविदित है कि इन्होंने सन 2014 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, जिसमें से इनका मुख्य चुनावी वायदा विशेषकर यह गरीबों व किसानों के लिए ये था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदर ही विदेशों से सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से यहाँ प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। ये बीजेपी का पहला मुख्य चुनावी वायदा था और इनका दूसरा मुख्य चुनावी वायदा ये था कि यहाँ कर्ज में डूबे किसानों का कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा, जिसे अब ये लोग इस चुनाव में भी फिर से बनाने की पूरी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से को ये बताना और ऐसी स्थिति में अब मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ और आपसे पूछना भी चाहती हूँ कि केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए अब लगभग 3.25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 3.25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं आपके इन दोनों जिलों से जो बड़ी तादाद में लोग इधर आए हैं, इसमें गरीब लोग भी काफी तादाद में हैं। मैं गरीब लोगों से पूछना चाहती हूँ कि इन 3.25 वर्षों में किसी भी गरीब के खाते में 1 रुपया भी जमा हुआ है? मैं अपने किसान भाइयों से भी पूछना चाहती हूँ, क्या किसी भी एक किसान भाई का 1 रुपया भी कर्जा माफ किया गया है? मैं समझती हूँ कि नहीं। अब इनके ये दोनों मुख्य चुनावी वायदे भी यहाँ अन्य वायदों की तरह ही केवल हवा हवाई व कोरे जुमलेबाजी ही बनकर रह गए हैं, जिसकी वजह से अब लोग उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग अब भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे हैं, जिससे दुखी होकर अब प्रदेश ने अपने गोद लिए हुए ऐसे बाहरी बेटे श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में वापस भेजने का और अब इनके स्थान पर अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहाँ अपना आशीर्वाद देने का पूरा पूरा पक्का मन बना लिया है। और अब मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अब तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है और जिन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब तक इन्होंने किस्म किस्म की नाटकबाजी भी खूब की है, जो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। और इसी क्रम में फिर इन्होंने केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में आज से लगभग 3 महीने पहले देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में वैसे देश हित से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का यह एक ऐसा अति जन पीड़ादायी फैसला ले लिया, जिसकी मार से देश की आम जनता अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रही है। और इनके इस फैसले से अब तक पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं,
जबकि वहीं दूसरी तरफ पूरे देश भर में एक ये भी आम चर्चा है कि बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए गए अपने इस फैसले से पहले ही लगभग 10 महीनों के अंदर अंदर अपनी पार्टी का वे अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था, जिसके बारे में बीएसपी द्वारा खुली चेतावनी देने के बावजूद भी इन्होंने इसका मीडिया में अभी तक भी खुलासा नहीं किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि दाल में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ही काला है। इसलिए अब इनको अपने विरोधियों पर खासकर भ्रष्टाचार के मामले में कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने देश की जनता को आज तक ये भी नहीं बताया है कि देश में नोटबंदी करने के बाद इन 3 महीनों के अंदर अंदर कितना काला धन इकट्ठा किया गया है और इसकी कितने लोगों को सजा दी गई है, ये भी इन्होंने आज तक नहीं बताया है। और अब इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इनका ये नोटबंदी का फैसला केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने लोकसभा चुनावी वायदों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही लिया गया है। सामाजिक क्षेत्र में भी केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते यहाँ विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का अधिकांश मामलों में पहले से भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है। और अब ये सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण व अन्य और कानूनी अधिकारों को भी अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर उन्हें अंदर अंदर निष्प्रभावी बनाने में व खत्म करने की भी पूरी पूरी कोशिश में ही लगी हुई है। इसके साथ ही इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिले पदोन्नति में आरक्षण को भी इन्होंने खासकर कांग्रेस व सपा की अंदरूनी मिली भगत से अभी तक भी प्रभावहीन ही बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व अपने भाजपा शासित राज्यों के भी ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इनका आरक्षण भी काफी हद तक कम कर दिया गया है। इसके अलावा अब तो इन वर्गों के ऊपर आए दिन यहाँ हर स्तर पर अन्याय वे अत्याचार भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। और इस बात का हैदराबाद का दलित रोहित बेमूला कांड वे गुजरात का दलित ऊना कांड खास उदाहरण है। इसके साथ साथ यहाँ मैं अपने इन दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सावधानी के तौर पर ये भी सचेत करना चाहती हूँ कि यदि इस चुनाव में किन्हीं कारणवश बीजेपी प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है तो तब फिर ये पार्टी करना चाहती हूँ कि यदि इस चुनाव में किन्हीं कारणवश बीजेपी प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है तो तब फिर ये पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यह मौका पाते ही या तो आपके पूरे आरक्षण को खत्म कर देगी या फिर इसे पूरे तौर से प्रभावहीन ही बना देगी। और ये सब खबरें हमें कुछ खास सूत्रों से बराबर सुनने के लिए मिल रही हैं। और फिर इसका नुकसान अकेले यहाँ दलितों व आदिवासियों को ही नहीं होगा बल्कि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी होगा, जिनके खासकर आरक्षण को लेकर यह मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने पर तब फिर इसी बीजेपी ने पूरे देश में इसके विरोध में जबरदस्त आंदोलन भी किया था।
तो तब फिर इसी खास मुद्दे पर उस समय बीजेपी ने केंद्र में श्री बीपी सिंह की सरकार को भी गिरा दिया था, जिसे ध्यान में रखकर ही अब इन ओबीसी वर्गों के लोगों को भी अपने आरक्षण को बचाने के लिए यहाँ बीजेपी को हर हालत में सत्ता में आने से रोकना होगा। और इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी के यहाँ सत्ता में आने पर खासकर उत्तर प्रदेश में भी कितने और रोहित बेमुला कांड व दलित ऊना कांड आदि होंगे, तो इसका भी आप लोग इनके अब तक के रहे दलित विरोधी चाल चरित्र चेहरा नीति व नियत आदि से भी काफी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मैं आरक्षण को लेकर ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी इन वर्गों के आरक्षण को बरकरार रखने के साथ साथ यहाँ अपर कास्ट समाज एवं अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए हमेशा इसकी पक्षधर रही है, जिसे फिर संविधान में संशोधन के जरिए केंद्र की सरकार को ही करना होगा। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार के चलते अब पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज में से विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ तो अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही अब इनकी अलीगढ़ व जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी तक का भी अल्पसंख्यक होने का दर्जा छीना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार द्वारा इनके खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ, तीन तलाक व कॉमन सिविल कोड आदि में जो दखल देने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी अति चिंता की बात है, जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। इसके साथ ही अब ये लोग अपने जान माल व मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा यहाँ चिंतित व दहशत में ही बने रहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो पूरे देश में सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से आए दिन यहाँ इन लोगों के ऊपर विशेषकर गो रक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति व संस्कृति आदि के नाम पर भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है। इसके साथ ही आतंकवाद के नाम पर भी अब पूरे देश में यहाँ मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्यक समाज के आम लोगों को भी शक की नजरों से ही देखा जा रहा है, जिससे इनमें हमेशा असुरक्षा की भावना बनी रहती है। और अब ऐसी स्थिति में यहाँ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का लागू होना वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में तो कतई भी संभव नहीं हो सकता है। इसके साथ ही अब ये भारतीय जनता पार्टी अपने हर चुनावी जनसभा में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश व कानून व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो इस मामले में भी सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने पूर्व में रहे लगभग 6 वर्षों के शासनकाल में यहाँ विकास व जनहित व जन कल्याण के कार्यों की तरफ ध्यान न देकर केवल अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यहाँ अधिकांश सांप्रदायिक ताकतों को ही मजबूत बनाया है, जिसके कारण ही फिर इस पार्टी को सन 1992 में समय से पहले ही यहाँ अपनी सत्ता तक भी गंवानी पड़ी थी, जबकि इस अवधि में केंद्र में भी ज्यादातर बीजेपी की ही अपनी सरकार रही है। इसके अलावा बीजेपी के लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी सुधारने के लिए जो काफी बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी हमारी पार्टी का ये कहना है कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार अपने अधीन में चल रही देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था को भी ठीक ढंग से संभाल नहीं सकती है, तो तब फिर ऐसी स्थिति में दिल्ली से भी कई गुना ज्यादा आबादी रखने वाले यहाँ अपने उत्तर प्रदेश की वर्तमान में अति खराब व दयनीय हालत में चल रही कानून व्यवस्था को भला इस पार्टी की सरकार
यहाँ कैसे संभाल सकती है। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि यदि आप लोग, मैं आपके क्षेत्र के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लोग भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की इन सब बातों को ध्यान में रखकर वे इनके सभी साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए ये चुनाव लड़ते हैं। और इस मामले में खासकर ये लोग इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी नहीं आते हैं। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों द्वारा मैनेज किए गए मीडिया वे ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि में भी जबरदस्ती की अपने अपने पक्ष में हवा बनाने वाली इनकी खबरों से भी ये लोग गुमराह नहीं होते हैं, तो तब फिर इस चुनाव में बीएसपी को अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से फिर यहाँ कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। और वैसे भी प्रदेश में आप लोगों को मालूम है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में 3 चरणों का वोट पड़ चुका है, 3 चरणों का वोट पड़ चुका है। और अभी तक जो 3 चरणों का वोट पड़ा है तो उससे अब तक के यही शुभ संकेत मिल रहे हैं कि अब इस चुनाव में बीएसपी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है, जिसे बीजेपी ने अंदर अंदर स्वीकार भी कर लिया है। और अब बीजेपी यहाँ वास्तव में सपा व कांग्रेस से दूसरे व तीसरे नंबर पर आने के लिए ही ये चुनाव लड़ रही है। अर्थात अब इस चुनाव में बीजेपी का यहाँ बिहार के विधानसभा चुनाव से भी काफी ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। और अब इनके वरिष्ठ नेताओं के तो अभी से ही चेहरे के नूर तक भी उतरे हुए हैं। और हालात इनके इतने ज्यादा खराब हैं बीजेपी के कि बीजेपी दूसरे व तीसरे नंबर पर आने के लिए भी अब इस चुनाव में यहाँ शमशान घाट व कब्रिस्तान आदि का भी सहारा इनको लेना पड़ा है दूसरे और तीसरे नंबर पर भी आने के लिए। और बीजेपी के लोग क्या कहते हैं, खासकर प्रधानमंत्री ने पिछले 2-3 अपनी चुनावी जनसभाओं में ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में हर गांव में कब्रिस्तान तो बन सकते हैं लेकिन हर गांव में मुर्द घाट यानी कि शमशान घाट नहीं बन सकते हैं। ये क्यों नहीं बन सकते हैं? मैं नरेंद्र मोदी से ये पूछना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश में 6 साल तक आपकी सरकार रही तो आपकी सरकार ने तो उत्तर प्रदेश में तो कितने हिंदुओं के गांव में शमशान घाट बनवाए हैं, जरा इसका तो रिकॉर्ड दे दो। और इतना ही नहीं, बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार है, हरियाणा में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, इधर चुनाव में इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने के लिए तो ये हिंदुओं के मुर्द घाट की बात कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, जिन राज्यों में इनकी सरकार है तो वहाँ पर इन्होंने हर गांव में हिंदुओं के अलग से तो मुर्द घाट क्यों नहीं बनवाए हैं, शमशान घाट क्यों नहीं बनवाए हैं, वहाँ तो एक भी नहीं बनवाया। और चुनाव में इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम कराने के लिए तो ये शमशान घाट बनाने की ये हिंदुओं को बात कर रहे हैं। इसलिए हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहना है। इसके अलावा ये भी बोल रहे हैं बीजेपी के लोग और प्रधानमंत्री कि जब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के त्योहार होते हैं तो यहाँ पर बिजली पानी की व्यवस्था की जाती है, और जब हिंदुओं के होते हैं तो ये व्यवस्था नहीं की जाती है। ये बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश में 4 बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, मेरी हुकूमत के दौरान
चाहे हिंदुओं का त्योहार हो या मुसलमानों का त्योहार हो, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, मैंने कोई पक्षपात नहीं किया। मैंने हिंदुओं के त्योहारों में भी और मुसलमानों के भी त्योहारों में भी मैंने बिजली पानी और सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया, जिसकी खास वजह से मेरी चारों हुकूमत के दौरान तो किधर भी चाहे हिंदुओं का त्योहार हो या मुसलमानों का, कभी भी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे मेरी हुकूमत के दौरान में नहीं हुए। अर्थात अभी चुनाव में बीजेपी जो अपने आप को दूसरे तीसरे के लिए भी अब वो मुर्दघाट, हिंदुओं का मुर्दघाट और मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान बनाने की वो बात कर रही है, तो वो बोलते कि जैसे हर गांव में तो मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान है, हिंदुओं का भी मुर्दघाट होना चाहिए। मेरे ख्याल इनको पहले जहां इनकी भाजपा शासित सरकारें हैं वहां तो पहले बनवा दे। तो इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है, क्योंकि ये मान चुके हैं कि ये सत्ता में नहीं आने वाले, दूसरे और तीसरे नंबर पर भी आने के लिए इनको मुर्दघाट और कब्रिस्तान का सहारा लेना पड़ रहा है। आप लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहना है। और अभी चुनाव में वास्तव में यहाँ भाजपा के साथ साथ सपा के भी सुनामी वाले ही काफी बुरे दिन आने वाले हैं। और इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर सर्वप्रथम यहाँ सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का सफाया कर दिया जाएगा, खात्मा कर दिया जाएगा। और ऐसे सभी आपराधिक तत्वों को फिर जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, जहां इनकी मेरी सरकार में सही व असली जगह होती है, ताकि फिर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां अपने किसी भी जरूरी कार्य से दिन छिपे के बाद भी अकेले ही बाहर आ जा सके। लेकिन इसके साथ ही यहां मैं ये भी कहना चाहती हूं कि प्रदेश में किसी भी जाति व धर्म से जुड़े जिन बेकसूर लोगों को जबरदस्ती अपराधी बनाकर उन्हें वर्षों से जेलों में कैद करके रखा हुआ है, तो उन मामलों की हमारी सरकार द्वारा इस बार समीक्षा करवाई जाएगी और इसकी रिपोर्ट आने पर फिर ऐसे सभी बेकसूर लोगों को जेलों से रिहा भी करवा दिया जाएगा। इसके साथ साथ वर्तमान सपा सरकार में जिन पीड़ित लोगों के थानों में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, तो उनकी विशेष अभियान के जरिए एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी तथा उन्हें समय से न्याय भी जरूर दिलवाया जाएगा। इसके साथ ही मेरे पूर्व के शासनकाल की तरह इस बार भी बिना पक्षपात के ही प्रदेश के सभी वर्गों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हित व कल्याण का भी हर स्तर पर पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इस मामले में खासकर यहाँ सबसे ज्यादा परेशान हालत में चल रहे किसानों की सभी फसलों की बकाया पड़ी धनराशि का भी फिर बहुत जल्दी ही भुगतान करवा दिया जाएगा और इनकी अन्य सभी समस्याओं का भी समय से ही समाधान कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के समूचे व्यापारियों की सुरक्षा करने के साथ साथ इनके व्यापार से जुड़ी सभी समस्याओं के निदान के लिए भी इस बार एक अलग से आयोग का भी गठन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में रोजमर्रा की व्यापार से जुड़ी सभी समस्याओं के निदान के लिए भी इस बार एक अलग से आयोग का भी गठन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में रोजमर्रा की सभी जरूरतों को भी समय से ही पूरा करवाया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि मेरी सरकार में जनहित व जन कल्याण की जो भी योजनाएं शुरू की गई थी तो उन्हें भी फिर से चालू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सपा सरकार ने अपनी जातिवादी व राजनीतिक द्वेष की वजह से जिन जिलों, संस्थानों व योजनाओं आदि के नाम बदल दिए हैं,
तो उन्हें भी फिर से बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मेरी सरकार में सपा सरकार की तरह यहाँ प्रदेश के खासकर बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें सीधे ही सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार ही उपलब्ध कराए जाएंगे और इस मामले में खासकर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे और इस बार भर्ती प्रक्रिया भी काफी आसान कर दी जाएगी। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार में यहाँ सपा सरकार की तरह गरीब व जरूरतमंद लोगों को लैपटॉप व मोबाइल आदि देने की बजाय उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से सीधे तौर पर आर्थिक मदद ही दी जाएगी ताकि फिर वो अपने हिसाब से अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा कर सकें। इसके साथ साथ प्रदेश में गरीब लोगों को राशन सस्ता मिले तथा बिजली पानी व स्वास्थ्य सेवाएं आदि ये सभी सस्ती व समय से मिले अर्थात इन सब मामलों में हमारी सरकार द्वारा जरूरी ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में वर्तमान सपा सरकार की तरह अब बच्चों को पका हुआ घटिया खाना नहीं दिया जाएगा बल्कि इसके स्थान पर इस बार हमारी सरकार द्वारा इन बच्चों को दूध बिस्कुट अंडा चना केक व फल आदि ही दिए जाएंगे और इनकी क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर गरीब मजदूर छोटे किसान व अन्य मेहनत कश लोग भी जो वर्षों से या छोटे छोटे कर्जों में काफी बुरी तरह से डूबे हुए हैं और उनसे वसूली के लिए बैंक वाले आए दिन उन्हें परेशानी करते रहते हैं जिसकी वजह से अभी तक यहाँ काफी लोगों ने तो दुखी होकर अपनी आत्महत्या तक भी कर ली है। जिसे गंभीरता से लेते हुए इस बार हमारी पार्टी की सरकार द्वारा इन सभी दुखी व पीड़ित लोगों के 1 लाख रुपए तक के कर्जे भी जरूर माफ कर दिए जाएंगे अर्थात अब इनका ये कर्जा मेरी सरकार की ओर से ही दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के गरीब लोगों को नियमों के तहत फिर से यहाँ सरकारी जमीनों के पट्टे दिए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वर्तमान सपा सरकार में तो जिन भू माफियाओं ने आपके पट्टों पर कब्जा कर लिया है तो विशेष अभियान चलाकर तो उन कब्जों को मुक्त कराया जाएगा और जिन्होंने कब्जा कर लिया है इस बार उन्हें सूखा नहीं छोड़ा जाएगा बल्कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ मैं आप लोगों को फिर से ये अवगत कराना चाहती हूँ कि अब प्रदेश में आगे नए स्मारक संग्रहालय व मूर्ति आदि स्थापित नहीं की जाएंगी क्योंकि ये सभी कार्य मेरी पिछली रही सरकारों में ही पूरे किए जा चुके हैं अर्थात इस बार मेरी पूरी ताकत हर स्तर पर यहाँ प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने व उन्हें विकसित करने की तरफ ही लगाई जाएगी। इसके अलावा वर्तमान सपा सरकार में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को भी खत्म करने के लिए यहाँ फिर से ठोस व बुनियादी कदम उठाए जाएंगे और इस मामले में वर्तमान सपा सरकार के खासकर बड़े बड़े आर्थिक फैसलों की व सरकारी भर्ती आदि की भी जरूर जांच करवाई जाएगी। इसके साथ साथ आपके दोनों जिलों की जनहित से जुड़ी जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का हर संभव पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा लेकिन सपा सरकार की तरह यहाँ बिना बजट के ही हवाई व खोखली घोषणाएं व शिलान्यास आदि नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार से बीएसपी के पूर्व के रहे शासनकाल की तरह ही फिर से यहाँ उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने के साथ ही यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाई जाएगी जिसके लिए प्रदेश के
पुलिस व प्रशासन से जुड़े सभी छोटे बड़े अधिकारियों को भी चुस्त व दुरुस्त भी किया जाएगा और इसके साथ साथ इनकी अर्थात अधिकारियों की जो भी जायज समस्याएं होंगी तो उन्हें भी सरकार बनने पर इस बार जरूर दूर कर दिया जाएगा। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि प्रदेश में इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए अब इस चुनाव में आपको व आपके क्षेत्र की जनता को भी अपने हितों में यहाँ अकेले बीएसपी की ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कामकाज को छोड़कर प्रातः सबसे पहले ही अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है और इस मामले में हमारी महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी। इसके साथ ही अपनी पार्टी के लोगों का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो इसका भी संबंधित क्षेत्र के पार्टी के लोगों को जरूर ध्यान रखना है। और अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि आप लोगों को अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को जो आपसे वोटों की भी अपील कर रहे हैं तो उन्हें आप लोग अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन्हें जरूर कामयाब बनाएंगे और इस बार अपनी पार्टी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की भी सरकार जरूर बनाएंगे और तभी फिर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना जरूर साकार हो सकता है। इन्हीं लफ्जों के साथ अब मैं आप लोगों से ये पुनः अपील करती हूँ कि बीएसपी का चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर बीएसपी के इन सभी प्रत्याशियों को आप लोग रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जिताकर इनको उत्तर प्रदेश की असेंबली में जरूर भेजेंगे। ऐसी मैं अपील के साथ अपनी बात यहीं समाप्त करती हूं। जय भीम, जय भारत। या तो गोंडा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली हो रही थी, 100 दिन में काला धन लाने का वायदा किया गया था मोदी की ओर से, लेकिन अपने हर वायदे पर मोदी फेल नजर आ रहे हैं। बीएसपी को वोट देने की अपील कर रही थी मायावती। वक्त ब्रेक का है, फौरन लौट।